हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष में यूनिट फोर्थ चालू करेंगे, जिसमें आपके हैं भारत की विभिन्न सामाजिक समस्याएं या सामाजिक चुनौतियां, जिसमें चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली है जनसंख्या वृद्धि, दूसरी है गरीबी निरक्षरता, उसके बाद है बेरोजगारी और लास्ट है सांप्रदायिकता। इन चारों से में से हर साल किसी न किसी रूप में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए बच्चों, तो किसी भी समाज और संस्कृति के अस्तित्व के लिए, उसकी रचना करने के लिए जनमानस का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की संख्या जब उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो, संतुलित रूप हो में हो, तो वह ठीक रहती है। लेकिन जब संसाधनों से के अनुरूप लोगों की संख्या में वृद्धि न हो और यह अनुपात दिनों दिन बढ़ता जाए, तो उसको उस समय जो जनसंख्या की स्थिति है वो समस्या का रूप ले लेती है और इसी समस्या को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में असंतुलित और अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है और इस विस्फोट से अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या वृद्धि की स्थिति इतनी अधिक विकट नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तरह की भारत में स्थितियां उत्पन्न हुई, विस्थापित भी आए भारत में, और जब स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई, विस्थापितों की संख्या में वृद्धि हुई, तो यह अनुपात संसाधनों की तुलना में निरंतर बढ़ने लगा, जिससे भारत को कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनसंख्या वृद्धि स्वतंत्र भारत के लिए एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुई, क्योंकि इस वृद्धि ने भारत के आर्थिक ढांचे और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया और देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया। जनसंख्या वृद्धि किसी न किसी रूप में देश के संपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है विपरीत रूप से। अतः हम देखेंगे कि भारत के विकास में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से बाधक रही और योजनाबद्ध विकास प्राप्त करने के बावजूद भी जनसंख्या का की जो वृद्धि दर है उसको हम कम नहीं कर पाए। वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या जो थी वो विश्व जनसंख्या का 16% थी और विश्व परिदृश्य में यदि भारत की स्थिति को देखा जाए तो चीन के बाद भारत का जनसंख्या वृद्धि में दूसरा स्थान है। यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को देखा जाए, इसके विकास के स्तर को, तो भारत की जो स्थिति है वो एक विकासशील, पिछड़े और सामाजिक और कई आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त देश के रूप में है। दिनों दिन जो भारत की स्थिति है वो जनसंख्या की दृष्टि से कमज़ोर होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के लिए भारत में कई प्रकार के कारण उत्तरदायी हैं। यदि इन पर गहन दृष्टि से नज़र डाली जाए तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण नज़र आते हैं। इस संदर्भ में आपके बड़ा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले समझाइए जनसंख्या वृद्धि क्या है और उसके बाद उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। यदि कारणों के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान समय में जीवन स्तर में सुधार, जीवन की स्थितियों में सुधार, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनमें निरंतर विकास और वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी,
जैसे प्रगतिशील तत्व जो हैं वो जनसंख्या वृद्धि में सहायक रहे हैं, वहीं अशिक्षा, अंधविश्वास, लोगों में अज्ञानता, ज्ञान की कमी, सामाजिक बुराइयां जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों ने भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के विकास में भारत में सहयोग किया है। तो अब आप लोग कारण डालिए कि जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण जो हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले मैं आप बता चुकी हूँ सबसे पहले कि किस तरह से प्रगतिशील तत्व और प्रतिक्रियावादी तत्व जनसंख्या वृद्धि में सहायक रहे हैं। अब हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हुई है और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सबसे पहला कारण है कि जो भारत की जलवायु है वो गर्म जलवायु है और यह गर्म जलवायु के कारण यहाँ के जो युवा वर्ग हैं वो और देशों की तुलना में और जलवायु संस्कृति की तुलना में अधिक परिपक्व होते हैं। ऐसी स्थिति में कम उम्र में विवाह के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए और कम आयु में ही संतान उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण है, भारत में प्राचीन समय से ही बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित रही हैं और इन कुप्रथाओं ने कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के विकास में काफ़ी सहयोग दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाल विवाह होने पर कम उम्र की आयु में जब विवाह हो जाता है बच्चों का, तो उसमें क्या होता है कि मात्र 15-16 वर्ष की आयु से ही वो जो बच्ची है वो माँ बनने लगती है और कम उम्र में ही बच्चों को जन्म देने के कारण अधिक संख्या में बच्चे होने की संभावना होती है। इसी तरह से बहुविवाह में कई महिलाओं से विवाह करने के बाद उसी अनुपात में बच्चों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस तरह से दोनों प्रथाएं कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी सहायक रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है और इस आर्थिक ढांचे में विकास के फलस्वरूप स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनमें गुणोत्तर वृद्धि हुई है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। इससे क्या हुआ है कि मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप जहाँ पहले अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी, वहीं अब विभिन्न बीमारियों के टीकों की खोज के बाद, दवाइयों की खोज के बाद लोगों की मृत्यु में गिरावट आई है, जिसके फलस्वरूप लोगों की कम संख्या में मृत्यु और जन्म दर अधिक होने के कारण काफ़ी अधिक संख्या में जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारतीय समाज में पहले मनोरंजन के साधनों का अभाव, भारतीय परंपरा में विवाह और संतानोत्पत्ति की अनिवार्यता, संयुक्त परिवार प्रथा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता जैसे अनेक, संक्षेप में हम ऐसे कारण बताते हैं जिनको आप अपने आप लिख सकते हैं समझ के, ये कारण भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रथा के में जब जहाँ पर एक ही परिवार में कई सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर संतान उत्पत्ति को एक स्वाभाविक क्रिया मानकर और संतान के प्रति कोई जिम्मेदारी न मानते हुए जो दंपत्ति हैं वो अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वो दायित्वों को सही ढंग से निभा सकें। इससे भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शरणार्थियों की बढ़ती हुई समस्या, 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से काफ़ी संख्या में शरणार्थी यहाँ आकर बसे, इसके अतिरिक्त चीन के साथ युद्ध और 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो वहाँ से काफ़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग भारत में आकर बसे, जिससे
पहले से ही जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा भारत में